लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और वर्ड्स डिस्कस करते हैं। हम आते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब दिखने में ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, उसको हम ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कहेंगे, है ना। जैसे कि द कलर ऑफ माय हेयर इज ब्लैक, है ना। तो कैरेक्टर क्या हो गया, मेरा हेयर कलर। मेरा फिनोटाइप कैसा हो गया, ब्लैक हेयर कलर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीनोटाइप हम किसको कहते हैं, इस ब्लैक हेयर के लिए मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे बॉडी में हर क्रोमोसोम दो होता है, मतलब एक टाइप का दो क्रोमोसोम होता है। तो अगर हम मान लेते हैं जो मेरा सेकेंड क्रोमोसोम है, हम मान लेते हैं, ठीक है, कि मेरा जो सेकेंड क्रोमोसोम है, ठीक है, सेकेंड क्रोमोसोम जो होगा वो भी दो तरह का होगा। उसके इस पार्ट में, है ना, या फिर इस लोकस पे मेरा हेयर कलर के लिए जीन है, है ना। इस क्रोमोसोम के, सेकेंड क्रोमोसोम के इस लोकस पे मेरा जीन है। तो ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम, हर एक टाइप का क्रोमोसोम दो प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो आपका जो जीन भी होगा मेरा हेयर कलर के लिए, वो कैसा होगा, दो प्रेजेंट होगा। हर सेकेंड क्रोमोसोम पे, दोनों सेकेंड क्रोमोसोम पे एक एक प्रेजेंट होगा। तो जो जीनोटाइप होता है उसमें याद रखिएगा, आपका एक कैरेक्टर के लिए दो जीन प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसको हम दो जीन नहीं कहते, जीन हम सिर्फ उसी को बोलते हैं जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे। मतलब ये जो मेरा हेयर कलर वाला जीन है, एक ही जीन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जीन का डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जीन है हेयर कलर का कोई जीन, तो अब ये हेयर कलर का एक जीन हो सकता है जो मेरे को ब्लैक हेयर दे, है ना। एक तरह का वही हेयर कलर का जीन हो सकता है जो मेरे को ब्राउन कलर दे, ठीक है। हेयर कलर का दूसरा टाइप का जीन हो सकता है जो मेरे को ब्लॉन्ड हेयर कलर दे, है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसी जीन का, हेयर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ही अलग अलग टाइप के फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो ये इस एक ही जीन का जो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म होता है, जो कि आपका अलग अलग टाइप के फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम अलील कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, हम अलील कहते हैं। तो अलील इज नथिंग, है ना, बट स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो जीनोटाइप होता है हम उसको पैर में रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हेयर कलर को कोड करने वाला जीन को अगर हम एच से रिप्रेजेंट करें तो हम जीनोटाइप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो अलील होता है, हम आगे और जाके पढ़ेंगे, ये अलील हो सकता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव टाइप का, ठीक है। डोमिनेंट हम किसको बोलते हैं, हम मान लेते हैं कि कैपिटल एच जो है वो मेरा ब्लैक हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम मान लेते हैं कैपिटल एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक हेयर, ठीक है। तो इसका डिफरेंट अलील को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम मान लेते हैं ब्लॉन्ड हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। स्मॉल एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉन्ड हेयर। हम मान लेते हैं मेरा जीनोटाइप कैसा है, है ना, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, है ना, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। हम मान लेते हैं कि मेरा हेयर कलर के लिए जीनोटाइप कैसा होगा, एक कैपिटल एच अलील प्रेजेंट है, एक स्मॉल एच अलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि फिर भी मेरा जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी ब्लैक हेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि एक अलील जो होता है वो दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट होता है। मतलब कि जो ये कैपिटल एच वाला अलील है यहाँ पे, हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच। मतलब कि अगर जब ये दोनों प्रेजेंट होगा तो सिर्फ कैपिटल एच वाला ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, स्मॉल एच अपने आप को रिप्रेजेंट
नहीं कर पाएगा। तो इस वाले जीन को जो अपने आप को इसके प्रेजेंस में एक्सप्रेस कर पाए उसको हम डोमिनेंट एलील कहेंगे। वो अलील जो दूसरे अलील के प्रेजेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए उसको हम रिसेसिव एलील कहेंगे। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं दूसरा टर्म्स, दैट इज होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। होमोजाइगस हम तब कहेंगे जब मेरा ये जो दो अलील किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है वो दोनों का दोनों अलील सेम हो। जैसे कि होमोजाइगस हम कब बोलेंगे, या फिर दोनों कैपिटल एच हो या फिर दोनों स्मॉल एच स्मॉल एच हो, है ना, तब हम इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे, है ना। और हेटरोजाइगस कब कहेंगे, जब एक अलील एट कैपिटल एच हो दूसरा अलील स्मॉल एच हो, मतलब कि दोनों अलील एक जैसा नहीं हो तो अलग अलग हो, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेटरोजाइगस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइव प्लांट्स। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी ट्रू ब्रीडिंग को कैसे डिफाइन करता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को आपका एनसीईआरटी कहता है, है ना, दे हैव अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि कोई एक ऐसा प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो कि बार बार खुद के साथ ही फर्टिलाइज किया हो, है कि नहीं, और उसके बाद एक ही ट्रेड उसका हर जनरेशन में दिखे। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कोई टॉल पी प्लांट है ना, उसको हम बार बार उसके साथ ही सेल्फ पॉलिनेशन किए और जो नेक्स्ट जनरेशन हमको मिला सब जनरेशन कैसे ही रहेगा, डॉल रहेगा, है ना। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो प्लांट कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, है ना, कैपिटल टी से अगर हम टॉलनेस को रिप्रेजेंट करें, है ना, तो दोनों अलील आपको कैसा होना चाहिए, टीटी होना चाहिए। अगर टीटी होगा तो क्या होगा, एक जगह पर यह ड्वार्फनेस भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, तो बार बार अगर हमको टॉल प्लांट्स दिख रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन कहते हैं। प्योर लाइन मतलब कि इट शुड बी होमोजाइगस, तो मोर और लेस कहने का एक ही है। ट्रू ब्रीडिंग कब होगा, ऑब्वियसली वो जब होमोजाइगस होगा तभी होगा, नहीं तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं दूसरा अलील को भी रिप्रेजेंट कर देगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम और दो चीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, हम आपको बताए थे एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड होगा, है ना, दिस इज वन क्रोमैटिड, दिस इज अनदर क्रोमैटिड, है ना। तो जो दो क्रोमैटिड एक ही टाइप के क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम का, हम उनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे, क्यों, डीएनए रेप्लिकेशन से बने, सेम टू सेम हो। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसका जो पैर वाला क्रोमोसोम होगा, है ना, नेक्स्ट पैर, ठीक है, ये भी सेम टू सेम होगा इसके जैसा, बस डिफरेंस क्या हो सकता है, समझिए डिफरेंस क्या हो सकता है। मान लेते हैं इस जगह, है ना, हेयर कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है, ठीक है, इसके पास जीन है कैपिटल एच, इसके पास कौन सा अलील हो गया, कैपिटल एच, है ना। तो यहाँ पे अगर हेयर कलर को कोड करने वाला जीन है तो यहाँ पे भी कौन सा जीन होगा, हेयर कलर को कोड करने वाला ही जीन होगा इस क्रोमोसोम पे भी। ठीक है, अब ये दोनों तो आइडेंटिकल होगा, क्यों, बिकॉज दीज बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड्स,
है ना, क्यों? क्योंकि एक ही डीएनए रिप्लिकेट करके दो स्ट्रैंड्स बनाया है। लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये और ये क्रोमोसोम है सेम, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना, ये क्रोमोसोम्स है सेम, लेकिन हम मान लेते इसमें अली एच, स्मॉल एच प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों है सेम पैर का क्रोमोसोम, लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ये जो दो अलग अलग क्रोमोसोम का होगा, इन दोनों को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के हैं, ठीक है। हम आपको होमोलोगस और हेट्रोलोगस बताना भूल गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम हम किसको बोलते हैं, मान लेते हैं मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम जो है ना, फर्स्ट क्रोमोसोम, उसका दो पैर, दो क्रोमोसोम होगा मतलब एक पैर होगा, तो वो दोनों क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर ये दोनों क्रोमोसोम सेम है तो हम इनको क्या बोलेंगे, दीज बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम। हेट्रोलोगस का बोलेंगे फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकेंड क्रोमोसोम, या सेकेंड क्रोमोसोम थर्ड क्रोमोसोम, या थर्ड क्रोमोसोम और 23rd क्रोमोसोम, है कि नहीं। जब दोनों क्रोमोसोम सेम वाला होगा, है ना, जो एक ही पैर का होगा, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं ना, और अगर अलग अलग पैर का हम कोई दो अलग तरह के क्रोमोसोम देखेंगे तो उसको हम हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो नॉन सिस्टर या क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको किसमें मिलेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में मिलेगा, है ना। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, और अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम हम ले लें तो वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम को क्रोमैटिड्स को हम नॉन सिस्टर कहेंगे। नॉन सिस्टर क्यों कहेंगे, अलील डिफरेंट हो सकता है, इनका जीन सेम होगा क्योंकि सेम क्रोमोसोम है, लेकिन अलील इनका डिफरेंट हो सकता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस वर्ड भी आपको कई बार आ गया है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस इन टू ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंसेस एट द जेनेटिक लेवल जनरली इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब कि हम मान लेते हैं मेरे पास मेरा हेयर, मेरा जो मान लेते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम में आपका हेयर कलर के लिए, है ना, फर्स्ट क्रोमोसोम पे हेयर कलर के लिए मेरे पास जीन है ना, ये लोकस पे मेरे पास हेयर कलर के लिए जीन है। तो आपके भी फर्स्ट क्रोमोसोम के इस लोकस पे हेयर कलर को कोड करने वाला जीन ही रहेगा। डिफरेंस कहाँ रहेगा, वेरिएशन कहाँ रहेगा, मेरा जीनोटाइप हम मान सकते हैं एच एच है, अगर हम मान लेते हैं हो सकता है आपका एच एच हो, है ना। तो ये जो जेनेटिक लेवल पर डिफरेंसेस होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के है ना, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तीन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, ये तीनों आपके दिए थे जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, मेंडल है ना, फुल नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप मेंडल याद रखिए, है ना, ठीक। ये आपका दिए थे 1856 से लेके 1863 तक, ठीक है। ये
मेंडल क्या किए थे, ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स करके ये 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, मतलब कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैसे जाता है, इसका 3 लॉ ये पी प्लांट पे उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट करके दिए थे। याद रखिएगा ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर, इस यूनिट का इनफैक्ट जो भी डेट्स आपका है वो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पी प्लांट में है ना वो 7 कैरेक्टर्स मिले थे, है ना, 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, मतलब ट्रेड कितना हो गया, 14 ट्रेड वो चूज किए थे, या फिर 14 प्योर लाइन प्लांट्स, है ना, या फिर 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को वो यूज किए थे, है ना। मतलब कि वो अलग अलग तरह का 7 कैरेक्टर्स लिए और हर कैरेक्टर का 2 टाइप का ट्रेड लिए, है ना। जैसे कि हमको पता है पी का सबसे कॉमन क्या है, टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट, है ना। तो उसका हाइट हो गया 1 कैरेक्टर, ट्रेड क्या हो गया, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ठीक है। तो अलग अलग तरह का ऐसा 14 प्लांट लिए होंगे, एक पी प्लांट कैसा होगा, जो कि टॉल होगा, दूसरा पी प्लांट स्मॉल होगा। तो ऐसे 7 कैरेक्टर लिए थे, तो 7 कैरेक्टर हम देख लेते हैं। मेंडल जो थे ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, है ना, वो एक ये थे चर्च में, क्या बोल, फादर थे, है ना। तो वो अपने चर्च के बैकयार्ड में ये सारा एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। हम पी प्लांट का कैरेक्टर ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम डोमिनेंट ट्रेट ले लेते हैं, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। पहला सबसे कॉमन जो है वो क्या है, सबसे कॉमन इज हाइट ऑफ ट्री प्लांट, हाइट ऑफ ट्री प्लांट। तो इसका डोमिनेंट क्या हो जाएगा, डोमिनेंट विल बी टॉल में, टॉलनेस, मतलब टॉल आपका कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा, ड्वार्फ विल बी रिसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर, है ना। तो डोमिनेंट ट्रेट विल बी वायलेट एंड रिसेसिव ट्रेट विल बी, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं आपका सीड कलर, सीड कलर आपका हो जाएगा डोमिनेंट येलो, है ना, और रिसेसिव हो जाएगा ग्रीन, है ना। मटर का दाना आपको पता है येलो एंड ग्रीन कलर का आता है, येलो वन इज डॉम। नेक्स्ट आते हैं सीड शेप, सीड शेप आपका क्या हो जाएगा, राउंड एंड, ठीक है। फिर पी का पॉड का शेप कैसा, पॉड कलर, पॉड कलर आपका उल्टा रहता है ना, ग्रीन इज डोमिनेंट, व्हाइट येलो इज नेसेसरी, है ना। देन इट इज सिक्स्थ, इट इज पॉड शेप, पॉड शेप जो होता है, शेप मतलब समझते हैं ना कैसा रहता है, इन्फ्लेटेड या फुल। देखिए मटर का जो आता है मटर, वो आपका बहुत जो जनरली रहता है ऐसे फूला हुआ रहता है, पर कुछ कुछ जो रहता है जो एकदम बीच से ऐसे सटा हुआ रहता है, दैट इज कंस्ट्रिक्टेड, है ना। तो पॉड शेप में डोमिनेंट इज फुल या फिर इन्फ्लेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। लास्ट जो कैरेक्टर है आपका यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, योर लास्ट कैरेक्टर इज फ्लावर पोजिशन, फ्लावर का पोजिशन कहाँ पे होता है ना।
तो याद रखिएगा एक्सिल, एक्सिला समझते हैं, एक्सिला मतलब किसी दो के बीच में एंगल पे जो होता है उसको एक्सिला कहते हैं ना। अगर हम मान लेते हैं ये स्टेम है ना, ये आपका ब्रांच निकल रहा है या लीफ निकल रहा है, तो आपका जो फ्लावर प्रेजेंट होगा, आपका फ्लावर यहाँ प्रेजेंट होगा, दिस इज द ग्रीन वन इज द फ्लावर, आपका फ्लावर यहाँ प्रेजेंट रहेगा, है ना, फ्लावर विल बी लाइक दिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल, मतलब इसके बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल में आपका फ्लावर प्रेजेंट रहेगा। दूसरा होता है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि ये आपका एंड है ब्रांच का, यहाँ पर आपका फ्लावर प्रेजेंट रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल, है ना, तो आपका फ्लावर पोजिशन एक्सियल विल बी डोमिनेंट एंड टर्मिनल विल बी रिसेसिव, ठीक। तो आप देखिए पी प्लांट का कैरेक्टर्स कितना हम चूज किए, 7 कैरेक्टर चूज किए, है ना, ट्रेट मिला के कितना हो गया, 14 ट्रेट हो गया ना, 14 ट्रेट्स। तो हर तरह का एक प्लांट होगा, टॉल पी प्लांट एक होगा, ड्वार्फ एक होगा, वायलेट एक प्योर लाइन होगा, व्हाइट एक प्योर लाइन होगा, येलो एक प्योर लाइन होगा, ग्रीन एक प्योर लाइन होगा। तो प्लांट्स में कितना हो गया आपका, 14 ट्रू ब्रीडिंग या फिर 14 प्योर लाइन्स हम लोग यूज किए थे, ठीक है। तो प्योर लाइन आपका कितना हो जाएगा, हम लोग 14 प्योर लाइन प्लांट्स यूज किए थे, है ना, प्योर लाइन प्लांट्स 14 था, ठीक है। कैरेक्टर्स कितना हम लोग लिए थे, कैरेक्टर्स वॉज 7, है ना, एंड ट्रेट कितना हम लिए, है ना। आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल का ये मोनोहाइब्रिड प्रोसेस।